और अब बात करते हैं देवघर रोपवे हादसे की। देवघर में त्रिकुट पर्वत पर रोपवे में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। हादसा रविवार शाम 4 बजे हुआ था। करीब 39 घंटे बाद भी 14 लोग हवा में लटकी ट्रॉलियों में फंसे हुए हैं। एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, एनडीआरएफ, आईटीबीपी एवं स्थानीय प्रशासन की टीम इन लोगों को सुरक्षित निकालने की कोशिश में जुटी है। एनडीआरएफ और आईटीबीपी रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। 3 ट्रॉलियों में 20 लोग फंसे हुए हैं। 1 ट्रॉली में 4 टूरिस्ट हैं, जबकि 1 ट्रॉली में 2 टूरिस्ट, 1 कमांडो मौजूद हैं। हादसे में अब तक 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 32 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है।